बैक टू आशीष गाड़े एंटरटेनमेंट। आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने इस चैनल पे। 61 कीज के ऊपर ट्यूटोरियल क्यों नहीं आ रहा है, कीबोर्ड ट्यूटोरियल कब आएगा, ऐसे मुझे कुछ जन पूछ रहे थे जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो डेफिनेटली मुझे पूछ रहे थे। तो आज मैं लेके आया हूँ कीबोर्ड ट्यूटोरियल आप सब लोगों के लिए। और इतने दिनों से जो कीबोर्ड ट्यूटोरियल मैंने नहीं किया है वो मैंने भर के निकाल दिया आज के इस ट्यूटोरियल में, आपको दिख जाएगा वो। क्योंकि ये जो गाना सिलेक्ट किया है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गाना है और रहमान सर का गाना है, तो मतलब आपको पता ही होगा कि इसमें कॉर्ड्स और नोट्स कितने ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं बजाने के लिए। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। बट शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारा जो सेकंड चैनल है गाइस, उस पे मैं व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूं, वो जाके देखो, उसको भी सपोर्ट करो। वहां पर लाइव स्ट्रीम ज्यादा से ज्यादा होती रहती है, तो वहां पर भी जाओ, आपको मजा आएगा। डायरेक्टली शुरू करते हैं आज का अपना ट्यूटोरियल ऑफ रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिन तरसे नैना। क्या ही गाना है, एवरग्रीन गाना है, बहुत पुराना गाना है बट बहुत प्यारा गाना है। डायरेक्टली शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, बहुत सारे दिनों के बाद आपके सामने कीबोर्ड लेके आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है ये कीबोर्ड ट्यूटोरियल्स करना। बस आपका सपोर्ट थोड़ा कम हो जाता है तो मोटिवेशन कम हो जाता है, तो ये मोटिवेशन कम ना होने दो मेरा। बट आज का जो गाना है ये मैं क्यों एडवांस लेवल का, क्यों डिफिकल्ट बोल रहा हूं, क्योंकि इस गाने में सभी कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं। मतलब जो फैमिली में है वो भी यूज हो रहे हैं, फैमिली के बाहर के भी यूज हो रहे हैं। तो यहां पर ई मेजर, ये हम इसका रूट कॉर्ड देखने वाले हैं, ई मेजर। वैसे गाना हाफ स्केल ऊपर है यानी एफ मेजर में है ओरिजिनल गाना, बट अभी हम इसको ई मेजर में देखेंगे। अपन डायरेक्टली शुरू करते हैं ये वाला अपना गाना। पूरा गाना तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल गाना है ये, मुझे समझाते समझाते बहुत टाइम लगेगा, लेफ्ट और राइट हाथ। तो गाने में जो कॉर्ड्स यूज होते हैं वो सबसे पहले मैं बताता हूँ हर बार। तो यहाँ पर गाने में ई मेजर, ये रूट कॉर्ड है, दोनों हाथों से दिखा रहा हूँ, ई मेजर। उसके बाद ई माइनर यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई मेजर ई माइनर दोनों यूज हुए। उसके बाद यूज हुए है वो है डी मेजर, डी मेजर। उसके बाद यूज हुआ है बी मेजर, बी मेजर। उसके बाद यूज हुआ है ए मेजर। उसी के साथ एक ए माइनर कॉर्ड भी यहां पर यूज हुआ है। अभी इसमें जो सस्पेंडेड कॉर्ड यूज हुआ है या फिर सेवेंथ कॉर्ड यूज हुआ है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सिंपल कॉर्डिंग पे ही ये गाना सीखेंगे। सो इसका जो इंट्रो शुरू होता है वो कैसा मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही सुकून भरा, बहुत ही प्यारा इसका साउंड है और रहमान सर ने क्या ही बनाया। तो अभी आप देख सकते हो यहां पर मैंने ई माइनर पकड़ा है बट जो स्टार्ट हो रहा है वो ई मेजर से हो रहा है, यानी ये मस्त पॉजिटिव है। उसके बाद एंड में ये ई माइनर पे एंड हो रहा है, तो यहां पर ही हमें समझ में आता है ये गाना वैसे तो बिगिनर्स के लिए नहीं है, एडवांस लेवल पे ये जाता है। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं, यहां पर शुरू होता है ये ए से, ए बी बी डी शार्प ई, फिर बी से शुरू होता है, यहां पर आपको दिखाई दिया डी शार्प भी यूज हुआ, डी भी यूज हुआ, सी शार्प भी यूज हुआ। सो यहां के यहां हम सब नोट्स यूज कर रहे हैं। आगे आगे दिखाऊंगा ये कितना एडवांस होते जाएगा बट आपको मजा आएगा, जितना इजी हो सकता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। सो यहां पर हुआ, इतना समझ में आ गया आपको, इसको आप स्लो करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते रहना जो नोट्स में दिखा रहा हूं उसके। आगे बहुत ही प्यारा इंट्रो है और ये गाया गया है, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे नहीं बजाया, सिर्फ फीमेल वोकल पे ही आपको सुनाई देता है इंट्रो। सो ये रहा अपना इंट्रो, यहां पर खत्म होता है। अब इसका लेफ्ट हैंड दिखाता हूं मैं आपको, जो शुरू होता है वो ऐसा है, ई मेजर से शुरू होता है, फिर डी मेजर पे, उसके बाद ए मेजर पे, फिर बी मेजर पे और ई माइनर पे खत्म होता है ये इसके कॉर्ड्स। सो जितना मैं सुन के इस गाने के कॉर्ड्स निकाल पाता हूं वही मैं आपको सिखा रहा हूं, और ऐसे ही आप कई गानों के कॉर्ड्स निकाल सकते हो। सो यहां पर हमने क्या किया,
सो ई मेजर से शुरुआत हुई गाने की, ऐसे अर्पेजियोज में आप बजा सकते हो, जैसे मैंने सिर्फ इसको अभी मैं ई मेजर पे एंड कर रहा हूं, बट ये ई माइनर पे एंड है, बस इतना समझ में आ गया। अभी हमारा गाना शुरू हो जाता है, रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल। सो ये शुरू होता है हमारा, रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। सभी नोट्स यूज हुआ फिर से, मैंने जैसे कहा लास्ट टाइम, यहाँ पर ई डी शार्प डी सी शार्प सब यूज हुए हैं चारों नोट्स, वैसे यहां पर भी एफ शार्प जी ए जी शार्प सब यूज हुए। सो यहां पर शुरू होता है ई से, रो जा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन। यहां पर मेजर हो जाता है गाना, अचानक से माइनर था अभी पहले, फिर मेजर हो गया, तुझ बिन तरसे नैना नैना, फिर से माइनर हो गया गाना। सो मेजर माइनर होते रहता है, बहुत मेलोडियस लगता है इसके वजह से गाना। सो इसके कॉर्ड्स दिखाता हूं, इतने ही लाइन के शुरुआत होती है ई माइनर से। अभी यहां पर एक कॉर्ड शिफ्टिंग का मैं आपको एक रूल बताने वाला हूं, कई बार चार चार के कॉर्ड्स बजाए जाते हैं लूप में, उसके बाद वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई भी अगर बॉलीवुड का दूसरा गाना लिया जाए, जैसे बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना न आई है, जो कुछ आगे है, जैसे मैं चार चार के कॉर्ड बजा रहा हूं फिर चेंज कर रहा हूं फिर चेंज कर रहा हूं, वैसे इस गाने में नहीं है, इसीलिए ये एडवांस लेवल का गाना है। यहां पर रोजा जाने मन के लाइन में ही दो बार कॉर्ड चेंज होते हैं, रहमान सर के कोई भी गाने को आप लोगे तो वो मुश्किल ही है इस चीज के वजह से, क्योंकि उसके कॉर्ड शिफ्टिंग बहुत अलग ही जगह पे है, जहां पर एक्सपेक्ट नहीं करते वहां पर कॉर्ड चेंज हो जाते हैं। सो शुरुआत होती है यहां पर रोजा, ये ई माइनर है, रोजा जाने तू ही मेरा दिल, यहां पर देखा, अभी यहां पर फिर से मेजर होएगा, तुझ बिन। सो कॉर्ड कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें से एक इजी ये एग्जांपल है कि जो नोट्स आप यूज कर रहे हो वो कौन से हैं। अगर मैं यहां से यहां जंप मार रहा हूं, यानी ये ई माइनर की कॉर्ड हुए, यहां पर एक सिर्फ ऐड करूंगा तो ये ई माइनर हो गया। तो ऐसे आपको खुद की स्टडी ऐसे ही करती जानी है, जो कॉर्ड्स जो नोट आप बजा रहे हो उस हिसाब से उसके कॉर्ड्स तैयार होने वाले। सो यहां पर ओपनिंग हुई ई माइनर, अभी यहां पर मैंने बी मेजर भी यूज किया, वो गाने में यूज हुआ है, रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, ई मेजर, तुझ बिन तरसे नैना, फिर ई माइनर पे खत्म हुआ। सो तुझ बिन के लिए ई मेजर, तुझ बिन ए मेजर, तरसे नैना ई माइनर फिर से। सो गाने में कई सारे चेंजेस होते जाते हैं कॉर्ड्स में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो कैसे हुआ मैं आपको एक बार सिर्फ बजा के दिखाता हूं। यहां पर ई मेजर है तो मैंने ई माइनर बजाया, ये गलत हो गया, देखो। सो तुझ बिन तरसे नैना, फिर ई माइनर पे खत्म हुआ। सो तुझ बिन तरसे नैना कैसा है, तुझ बिन तरसे नैना, जी शार्प भी यूज हुआ, नीचे जी भी यूज है, सब यूज होता है गाइस, तो ये मुश्किल है गाना इसके वजह से। सो तुझ बिन तरसे नैना, रिपीट सेम, दिल से न जाती है यादे तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना। अब यहां से आंखों में तू है, अब यहां पर देखो मेजर माइनर दोनों यूज हुआ, आंखों में तू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये।
आंखों में तू है, जी शार्प से ओपन हुआ, आंखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है। सो यहां पर एक हरकत है, मन में भी तू है। अब हमारा मेन पार्ट, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, यहाँ पर अभी हाई स्केल, मोस्ट हाईएस्ट स्केल पे ये चला जाता है और हरिहरन सर ने क्या ही गाया हुआ ये। सो ख्वाबों में तू, सांसों में तू, ख्वाबों में तू के लिए ई, एफ शार्प, जी, ख्वाबों में तू, ए से शुरू होगा, आंखों में तू, सांसों में तू है मतलब सांसों में तू, ए बी सी बी, और रोजा के लिए एफ शार्प, ई, रोजा, रोजा, सिंपल है, रोजा, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा, इतना ही है, इतना ही हम देखने वाले। अभी इसका मैं लेफ्ट हैंड दिखाता हूं, आंखों में तू है के लिए ई मेजर है, आंखों में तू है, सांसों में तू है, सिंपल रख रहा हूं मैं, अदरवाइज आप इसको और डिफिकल्ट भी कर सकते हो, आंखों में तू है, सांसों में, ये ऐसे आप बजा सकते हो, ई मेजर, ए मेजर, ई माइनर, ई मेजर, ए मेजर, ई माइनर। इसको बजाते वक्त भी आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा, सेम रिपीट हुआ। उसके बाद अब यहां पर ई ए माइनर यूज होने वाला है, सिर्फ ई में माइनर नहीं है, आंखों में तुम, सांसों में तुम, आंखों में तुम, सांसों में तुम, रोजा, बी मेजर पे ये खत्म होता है। सो ये कहीं पे भी ई मेजर या ई माइनर पे जो रूट नोट है ई वाला उस पे खत्म नहीं होता, तो बी पे खत्म होता है गाना कॉर्डिंग वाइज। सो रोजा, ये रहमान सर की स्टाइल है, कहीं पे भी जो डिसाइडेड है वो नहीं होता है गाने में, कुछ अलग ही होके चला जाता है वो, और इतना सूदिंग लगता है। सो बेसिकली गाइस ये इतना ही आज हम देखेंगे, एक बार मैं पूरा बजा के दिखाता हूँ आपको कैसे बजाना है। आरपेजियोस के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट एक ट्यूटोरियल मैं करूंगा जिसमें मैं आरपेजियोस के बारे में जरूर बताऊंगा। आई होप दोस्तों आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख के, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हिट द बेल आइकन, और सभी दोस्तों के साथ अभी शेयर भी कर देना गाइस। जिनको पियानो सीखना है, जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है थोड़ा भी, उनके साथ डेफिनेटली शेयर कर देना वीडियो। आई नो गाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसके आगे म्यूजिक बहुत प्यारा है, इसका अंतरा बहुत प्यारा है, उसमें भी कॉर्ड्स बहुत ज्यादा शिफ्ट होते हैं, बहुत नोट्स लगे हुए हैं, वो अगर आपको सीखने हैं, मतलब सेकंड पार्ट अगर चाहिए तो गाइस 300 के ऊपर कमेंट्स आने चाहिए गाइस। तब तक गाइस ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट रखना, एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एट सेम। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।